Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie X-Men. ये मूवी सन 2000 में रिलीज हुई थी। आपको बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि इस मूवी को आज रिलीज हुए टोटल 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इन 20 सालों में इस मूवी का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लेकिन इस मूवी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड तीन बातों को इग्नोर करने के लिए कहूँगा, जिसमें से पहली बात है मिस्टीक, जो कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मारी गई थी जीन ग्रे के द्वारा। दूसरी बात चार्ल्स जेवियर, जो कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इस मूवी में रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन इस वाले सीक्वल पार्ट में वो आज भी हमें यहाँ के प्रोफेसर दिखाए जाते हैं। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है जीन ग्रे से रिलेटेड। लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग वो भी मारी गई थी, लेकिन इस पार्ट में वो हमें जिंदा दिखाई गई है। और इन तीनों बातों को इग्नोर करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी को बनाते टाइम इस मूवी में की गई मेकिंग मिस्टेक। ना तो इसे आप सुधार सकते हैं और ना ही मैं। सो दिस इज माई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली ये तीनों चीजों को इग्नोर करते हुए इस मूवी का मजा लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है एरिक, जो कि अब लोगों के सामने अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज करते हुए पकड़ा जाता है। और तभी दुनिया को पता चलता है कि हम इंसानों के अलावा म्यूटेंट्स भी हमारी दुनिया में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सन 2000 में, जहां हमें दिखाई जाती है इस कहानी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है रोग। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। दोनों आपस में किस करते हैं, लेकिन उस किस से उसका बॉयफ्रेंड कोमा में पहुंच जाता है 3 हफ्ते के लिए। और जैसे ही रोग ये देखती है, वो काफी परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है, और तब उसे पता चलता है कि वो आम इंसानों में से नहीं है, वो भी एक म्यूटेंट है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट के काफी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, जहां पर सेनेटर कैली इस दुनिया में मौजूद सभी के सभी म्यूटेंट्स पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। वो एक बिल पास करवाना चाहते हैं, जिसके तहत सभी म्यूटेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। लेकिन वहां पर उनकी बात को अगेंस्ट में पेश करती है जीन ग्रे, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट है, लेकिन आज तक उनकी ये सच्चाई इस दुनिया के सामने नहीं आई। जीन ग्रे उन्हें कहती है कि म्यूटेंट्स हम इंसानों की तरह ही हैं, वो भी जीना चाहते हैं, तो कृपया करके आप रजिस्ट्रेशन का बिल पास न करवाएं। लेकिन तभी सेनेटर कैली कुछ ठोस सबूत के सामने एक बात पेश करते हैं। वो बताते हैं कि एक लड़की जो कि कभी भी दीवार के आर पार जा सकती है, न जाने क्या पता वो आज स्कूल के आर पार निकल जाए और कल न जाने बैंक के आर पार निकल जाए, और शायद होना हो क्या पता वो कल आपके घर की भी दीवारों के आर पार आ जा सके। तो इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि म्यूटेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन बिल पास करवाया जाए, जहां पर दुनिया के सभी म्यूटेंट्स को आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर, चार्ल्स जेवियर और एरिक, जो कि अब प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के नाम से जाने जाते हैं। एक टाइम पर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग माइंडसेट की वजह से आज उन दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। प्रोफेसर एक्स जो कि इंसान और म्यूटेंट को साथ में देखना चाहते हैं, जबकि मैग्नीटो इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इंसान इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है और जो काबिल है वो सिर्फ है म्यूटेंट्स। आगे हमें दिखाई जाती है रोग, जो कि पहुंचती है कनाडा के लॉफलिन सिटी में। वहां पर उसकी मुलाकात इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर यानी कि वुल्वरीन से होती है। वुल्वरीन वहां पर अंडरग्राउंड बैटल्स कर रहा होता है, जहां पर उसे फाइट जीतने पर काफी पैसा भी मिलता था। उसने एक साथ 5 से 6 लोगों को पछाड़ दिया था। तभी उन पिटे हुए लोगों में से एक आदमी आकर वुल्वरीन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक म्यूटेंट हो, और इसी की वजह से तुमने अभी तक इन 5 से 6 लोगों को पछाड़ा है, और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि अगर तुम इंसान होते और अगर नॉर्मली फाइट जीतते तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने यहाँ पर चीटिंग करी है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों में से वही आइकॉनिक सीन यानी कि 3 ब्लेड्स निकलते हैं, लेकिन वहां पर वुल्वरीन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। जब रॉग ये सारी बातें देख रही होती है, तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैं ही एक अकेली म्यूटेंट नहीं हूं, और वो चुपके से वुल्वरीन की कार में बैठ जाती है और उसके साथ में अपना एक नया सफर शुरू करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरा म्यूटेंट आकर उनका रास्ता रोक लेता है, जिसका नाम होता है साइबर टूथ। वो वहां पर आकर वुल्वरीन पर हमला करता है। वुल्वरीन भी उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपना पलड़ा कम आंकने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर 2 और म्यूटेंट्स की एंट्री होती है, जिनमें होते हैं स्कॉट और स्ट्रॉम। स्कॉट जो कि अब साइक्लॉप्स के नाम से जाना जाता है,
और स्ट्रॉम, जो कि कामानूर के नाम से जाती थी लेकिन अब उसका नाम स्ट्रॉम है, वो दोनों वहां पर आकर वुल्वरीन और रॉक को उस म्यूटेंट से छुड़वाकर अपने साथ में अपने स्कूल में ले जाते हैं, जो कि होता है चार्ल्स जेवियर का एक्स मेंशन, जो कि अब चार्ल्स जेवियर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर वुल्वरीन की मुलाकात प्रोफेसर एक्स से होती है। प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि तुम अपनी खोई हुई यादों को ढूंढ रहे हो, तुम परेशान हो जो कि आज से 15 साल तुम्हारे साथ बीता था, मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इन सभी बातों को सुनकर वुल्वरीन एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आज से 15 साल पहले क्या बीता था, उसके साथ में क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से उसकी यादें आज उसके पास में नहीं है। और इन्हीं सब बातों का सवाल जानने के लिए वो प्रोफेसर एक्स के साथ में मिल जाता है। एक्स मेंशन में ज्वाइन हो जाने के बाद में प्रोफेसर एक्स के थ्रू अब वुल्वरीन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है कि वुल्वरीन के शरीर में एक ऐसा धातु जिसका नाम है एडमेंटियम, जो कि अटूट है, जिसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता, वो काफी बेहतर तरीके से पूरे के पूरे शरीर में पिघला कर बिठाया गया है। ऐसा किसने किया इसके बारे में उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं होती। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सेनेटर कैली पर, जो कि पहुंचते हैं व्हाइट हाउस उस बिल को पास करवाने के लिए, लेकिन उसी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी होती है मिस्टीक, जो कि एक शेप शिफ्टर होती है। वो वहां पर सेनेटर कैली को बेहोश करके अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा देती है, जहां मौजूद होता है इस कहानी का विलन जिसका नाम है मैग्नीटो। मैग्नीटो वहां पर सेनेटर कैली से बातें करने लगता है, उसे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि आप इस बिल को पास करवाएं, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो हम जो म्यूटेंट्स जो आज तक लोगों से छिपते आए हैं, हमारी पूरी जानकारी उन सभी के सामने आ जाएगी, और होना हो अगर कल आप हम सभी को मारना चाहें तो हमारी पूरी डिटेल्स भी आपके पास में होगी, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पूरी दुनिया को ही म्यूटेंट क्यों ना बना दूं, फिर आप में और हम में फर्क ही नहीं रहेगा। और तभी मैग्नीटो एक मशीन स्टार्ट करता है जिसमें से एक रेज निकलती है और वो टकराती है सीधा सेनेटर कैली से। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन को और साथ ही रोग को। रोग को ऐसा लगने लगता है कि वुल्वरीन ने उसकी जान बचाई है, तो उसे अब उसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगता है और वो रात को उसके पास में उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वुल्वरीन उसे वहां पर पाकर एकदम घबरा जाता है और बाय मिस्टेक अपने पंजे उसके सीने में घुसा देता है। रॉग उस मूवमेंट पर मरने ही वाली थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को खींचने वाली पावर्स वुल्वरीन पर इस्तेमाल करती है, जिससे कि लो एजिंग और साथ ही घाव भरने वाली शक्ति भी अब रॉग के अंदर आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो तो वहां पर ठीक हो जाती है, लेकिन एक झटका लग जाता है वुल्वरीन को। उसी मूवमेंट पर प्रोफेसर एक्स भी वहां पर आ जाते हैं और वुल्वरीन को बताते हैं कि रॉक के अंदर लोगों में से शक्तियां एब्जॉर्ब करने की पावर है, वो जिसे भी छुएगी या जिसके भी कांटेक्ट में आएगी वो उसकी शक्तियां थोड़े टाइम के लिए उधार ले सकती है। आगे हमें दिखाए जाते हैं सेनेटर कैली, जिसके ऊपर वो किरणें गिरी थी। अब फाइनली उन किरणों के कारण सेनेटर कैली भी इंसान से अब एक म्यूटेंट बन चुके होते हैं, और म्यूटेंट बनने के बाद में उनका शरीर किसी भी चीज के आर पार जा सकता था, ऐसे जैसे कि कोई तरल पदार्थ हो, और वो उनकी बनाई हुई जेल से बाहर निकल कर नॉर्मल अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है मिस्टीक, जो कि रॉक के एक फ्रेंड के रूप में वहां एक्सजेवियर मेंशन में आती है और रॉक से कहती है कि कल जो तुमने किया उससे पूरे के पूरे एक्स मेंशन के सभी बच्चों को खतरा है, तो इसमें भलाई यही है कि तुम इस एक्स मेंशन को छोड़कर यहां से चली जाओ। इन बातों का काफी गहरा असर होता है रॉक पर, और फाइनली रॉक एक्स मेंशन को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन प्रोफेसर एक्स के पास में था सेरेब्रो, जिसकी मदद से वो इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का पता लगा सकते थे, और वो उसी का यूज करते हुए उसकी असली लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जो कि होती है रेलवे स्टेशन। चार्ल्स जेवियर वहां पर अपने म्यूटेंट यानी कि साइक्लॉप्स, स्ट्रॉम और साथ ही वुल्वरीन को कहते हैं रॉक को समझाकर वापस एक्समेंशन लाने के लिए। जैसे ही वो तीनों रॉक को वहां पर रेलवे स्टेशन से वापस लाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर पहुंच जाती है मैग्नीटो की टीम भी, और तब फाइनली इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है। मैग्नीटो की टीम वहां पर रॉक को पकड़ने के लिए आई होती है, और उन्हें रॉक की जरूरत थी ताकि वो उसकी शक्तियां एब्जॉर्ब करने वाली पावर को यूज कर सकें उस किरण वाली मशीन को और भी ज्यादा पावर देने के लिए, और वो रॉक को वहां से लेकर निकल जाते हैं। सभी एक्समैन फिर से एक्स मेंशन में आते हैं और रॉक को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो, जो कि अपनी बनाई गई मशीन को जब भी यूज करता था उसकी पावर्स बिल्कुल कम हो जाया करती थी, इसलिए वो एक ऐसे म्यूटेंट को चाहता था कि वो अपनी शक्तियां उसे दे और अगर जान भी जाए तो सामने वाले म्यूटेंट की जाए, और वो उस मशीन को बनाकर रॉक को वहां पर पहुंचा देता है ताकि वो अपनी बनाई गई मशीन की किरणों की मदद से वर्ल्ड के सभी लीडर्स पर उस रोशनी का इस्तेमाल कर सके, और उस दिन के बाद में जो लोग उस किरण की चपेट में आए हैं वो
घर जाने के बाद एक होकर लौटे, यानी कि उस दिन के बाद में इंसान और म्यूटेंट के बीच में अब कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, सब लोग म्यूटेंट्स में ही काउंट होंगे। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है एक्समैन की टीम और उनके बीच में एक काफी घमासान लड़ाई होती है, जहां मिस्टेक भी वुल्वरीन का रूप ले लेती है और दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन मैं मानता हूं। लेकिन फाइनली एक्समैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रॉक को वहां से निकाल ही लेते हैं और साथ ही मैग्नीटो के सभी साथियों को पुलिस में पकड़वा देते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन को, जो कि अपना बैग पैक करके एक्स मेंशन से जाने लगता है। लेकिन तभी रॉग आकर उसे मिलती है और वो वुल्वरीन से कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारी लिए जगह है। लेकिन तब वुल्वरीन उसे कहता है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, तुम यहाँ रहना, नए दोस्त बनाना और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से बनाना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक प्लास्टिक की बनाई गई जेल पर, जिसके अंदर कैद होता है मैग्नीटो। मैग्नीटो जो कि लोहे को अपने आसपास पाकर उसे कंट्रोल कर सकता था, अब उसके अंदर कुछ भी लोहे का था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बना था प्लास्टिक से। और हमेशा की तरह इस मूवी के एंड में भी हमें दिखाए जाते हैं चार्ल्स जेवियर और एरिक, जो कि बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। वहीं पर चार्ल्स कहता है कि तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन मैग्नीटो से कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद में मैं एक्समैन सीरीज का अगला पार्ट यानी कि एक्समैन 2 आपके सामने जल्द ही पेश करूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।